Check my uh, answer copies and not just motivate me that i was doing daily really well the positive feedback while well, a mechanism but also it gave me uh, some really wonderful tips on to how i can improve my score even better and, uh, i have been a student of uh, sociology at triumph is and uh, Vikas he personally guided and mentored me uh, through my sociology answer writing, uh, I would like to thank personally Vikas Ranjan sir for his mentorship uh, in both optional sociology uh, and in essay test series. In, in this civil services examination, also sociology was my option uh, after consistent guidance of uh, Vikas Ranjan sir, and uh, I scored this time 285 marks. I had sociology as optional. I had taken test series from Vikas Ranjan sir, and the feedback provided by sir for my test was very regular. And... Uh, hello, all. Uh, my name is vishnu shashikumar and i secured all india rank 31 in upsa civil services examination 2023. i did my graduation in political science and economics from st stephen's college, delhi university. i graduated in 2021 and since then i have been preparing for the civil services. in 2022 civil services examination, uh, i secured all india rank 394 and i was allocated to danik service and this year i was luckily able to secure all india rank 31. so now, uh, coming to uh, you know uh, one thing about which i would like to share with all of you is ki ek galti jab hum sab karte hai like when all of us are in the beginning stage of preparation is ki hum practice bahut kam karte hai especially jo mock test ho gaya for prelims and mains interviews both हम पढ़ाई पे बहुत focus करते हैं पढ़ाई is very important I admit but then it is also important कि हम अपने आप को test भी करें और ये फोमो हमें रहता है कि हम हमेशा लगता है यार टेस्ट लिखने के टाइम पे शायद से दो घंटा फिर उसको एनालाइज करने में एक घंटा उस टाइम में मैं इतना चैप्टर खत्म कर सकता हूँ या मैं एक नया कंटेंट ही मैं नया पढ़ सकता हूँ सो so मेरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा ये सब डिलेमा हमारे अंदर बहुत रहता है तो हमें लगता है यार इज़ इट वर्थ वाइल टू गिव दैट टेस्ट और इज़ इट वर्थ वाइल टू यू नो इन्वेस्ट सो मच टाइम फॉर राइटिंग अ टेस्ट बट बिलीव मी यार इस एग्जामिनेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस वॉट यू आर गोइंग टू डू एट द एक्चुअल यू पी एस सी एग्जामिशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस Uh, कि वॉट एवर कंटेंट यू हैव लर्नड हम उसको कैसे अप्लाई कर सकें देखिए वेपन्स तो हम सभी कलेक्ट कर रहे हैं बट देन अगर हमें पता नहीं कि वो वेपन्स कैसे चलाए कब चलाना है तो इज इट वर्थ वर्थवाइल्ड टू हैव दैट वेपन्स सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो भी वेपन्स आपके आर्सेनल में है आप उसको टेस्ट भी करें तो आपको पता चले कि आप में क्या कमियाँ है या उस कंटेंट में क्या कमियाँ है राइट सो नाउ कमिंग टू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्टेज पे

वहाँ से वहाँ पे एक शेड्यूल था वहाँ के टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के हिसाब से आई वॉज़ डूइंग द मॉक टेस्ट एज पर द शेड्यूल एंड नो मैटर यदि मेरा सिलेबस हुआ हो नहीं हुआ हो कम्प्लीट भी नहीं हुआ हो या मैंने पढ़ाई भी नहीं किया है उस सिलेबस का आई आई मेड इट अ पॉइंट कि यार जिस दिन टेस्ट था उसी दिन मैं टेस्ट देके कंप्लीट कर दूँ बिकॉज फिर होता क्या है कि इतने सारे टेस्ट हमारे आगे शेड्यूल्ड रहते हैं कि वो टेस्ट फिर कंपाइल होने लग जाता है देन इट फील्स एन इनोशिया यार मैं करूँ या ना करूँ मैं पढ़ाई पढ़ाई कर लेता हूँ इट यू गेट एन इनोशिया कि यार इतना अक्यूमलेट uh, हो गया चलो छोड़ देता हूँ सो ऑलवेज मेक श्योर यार जो भी शेड्यूल आपका है टेस्ट सीरीज का आप उसको रिलीजियसली फॉलो करें दैट इज द फर्स्ट थिंग नाउ हाउ आई डिड द टेस्ट सीरीज आई इनिशियली बिगेन विथ माई सेक्शनल तो मैं थोड़ा इंपेशन था इनिशियली तो so, मैंने क्या किया मैंने सोचा चलो ये फुल लेंथ टेस्ट ले लेते हैं आई टूक वन फुल लेंथ टेस्ट एंड आई फेल्ड इन दैट मिजरेबली आई वॉज गेटिंग अराउंड सिक्सटी सिक्स टू सिक्सटी नाइन का स्कोर का रेंज में एंड आई वॉज सो सैड एंड डिजेक्टेड कि मुझे लगा यार ये मतलब ये मेरे बस की बात नहीं होगी यार प्री प्री निकलना मेरी बस की बात नहीं है बट देन आई वॉज रॉन्ग देर बिकॉज सी यू हैव टू बिल्ड योर कंटेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार आपने जो डिटेल में पढ़ा है उसको आप अप्लाई करोगे तो पहले आपको सेक्शनल टेस्ट करने चाहिए सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डू द सेक्शनल टेस्ट वेल इन एडवांस्ड बिफोर यू गो टू द फुल लेंक टेस्ट तो मैंने क्या किया था जनवरी फेब्रवरी मार्च तक मार्च मिड तक आई वॉज डूइंग सेक्शनल टेस्ट एंड मार्च मिड से आई वॉज बिगिनिंग विद द फुल लैंग टेस्ट बट आई ऑल्सो मेड इट अ पॉइंट जब भी मैंने फुल लैंग टेस्ट किया है उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने सेक्शनल टेस्ट को छोड़ दिया है आई ऑल्सो डिड द सेक्शनल टेस्ट विथ द फुल टेस्ट वेन आई बिगेन इन मार्च तो नाउ हाउ डिड आई मैनेज टू डू सो मैनी टेस्ट एंड वॉट डिड आई डू सी फिलोसफी वन थिंगोड ओवर देखिए यूपीएससी में अलग एक अलग ही प्रेशर रहता है जब हम एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इट्स अ डिफरेंट प्रेशर डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर सो व्हाट आई ट्राई टू डू वाज मैं थोड़ा प्रेशर इधर जब हम अपने कंफर्ट्स ऑफ हाउस में बैठ के जब हम करते हैं आई ट्राई टू रिप्लीकेट दैट प्रेशर ओवर हियर सो वॉट आई डिड बॉस आई पुट अ टाइमर ऑफ इंसरे टू आवर्स की जगह मैंने वन आवर फोर्टी या वन आवर फोर्टी मिनट्स का टाइमर लगाया था एंड आई डिड दैट फॉर प्री सो दैट्स हाउ आई डिड फॉर जी एस वन वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स का टाइमर लगा के मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था बोथ सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट नाउ कमिंग टू हाउ आई एनालाइज आई यूज टू लुक एट द क्वेश्चन जहाँ मैंने गलतियाँ की थी मेरे सही क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता था आई जस्ट यूज टू स्किम थ्रू दैट बट जहाँ मैंने गलतियाँ की थी उस क्वेश्चन पर मैं उसका डिटेल एनालिसिस करता था डिटेल में पढ़ता था मैं देखता था किस वजह से मेरी गलती हुई या तो मेरी कंटेंट की कमी थी या मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन को सीरियसली नहीं, नहीं पढ़ते जल्दी जल्दी में डिटेल में देते जैसे फॉर एक्जाम्पल लायंस आर नेचुरली फाउंड मैंने नेचुरली पढ़ा नहीं होगा फाउंड ही देखा होगा तो मैंने कुछ और डाल दिया या फिर विच इज़ नॉट द करेक्ट आंसर ये नॉट मैंने पढ़ा नहीं होगा तो ये सब ट्रिवियल मिस्टेक्स आपको एक अटेम्प्ट कॉस्ट कर सकते हैं तो आई उज टू अंडरस्टैंड कि मैंने ये गलती क्यों की तो या तो वो क्वेश्चन रीड करने में गलती हो गई होगी या मुझे कंटेंट अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं कंटेंट ले लेता था, था आंसर की से या मेरा टेक्निक या मेरा लॉजिक कुछ जो है जो मैंने यूज़ किया वो गलत हो गया होगा तो वो मैंने यूज़ किया तो दैट वॉज समथिंग विच आई डिड फॉर जी एस वन आई यूस्ट एनलाइज वाई माई आंसर्स वेंट रॉन्ग राइट आंसर्स पर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं था एंड बिलीव मी आज भी यदि आप देखोगे तो आपने जहाँ गलती की है जिस क्वेश्चन या जिस कॉन्सेप्ट में आपने गलती की है वो कॉन्सेप्ट आपको आज भी याद रहेगा दैट इज़ समथिंग विच यू नो वाइट टेस्ट सीरीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल यू नो डूइंग द मॉक टेस्ट आर वेरी हेल्पफुल एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू बिल्ड अ टेम्परामेंट बिकॉज क्योंकि देखिए दो घंटे में वो प्रेशर में आपको आंसर एम सी क्यू सॉल्व करना एक स्किल सेट चाहिए रहता एंड दैट स्किल सेट कैन ओनली भी डेवलप्ड नो वन इज बॉर्न विद दैट स्किल सेट दैट स्किल सेट कैन ओनली भी डेवलप्ड व प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिस क्रिकेट में भी अब देखिए आप प्रैक्टिस करने के बाद ही प्रैक्टिस करते 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 ही आप एक अच्छे बैट्समैन या एक बॉलर बनते वैसे इधर ऑल्सो यू प्रैक्टिस 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 दैन लू यिल बी एबल टू यू नो बी एबल टू सॉल्व द प्रलम्स पेपर विथ ईज and uh, so that's what I did for GS1 uh, in the pre and uh, last 10 days में मैंने क्या किया 2014 से लेके 2022 या uh, 2021 का question paper previous year question papers मैंने UPSC के time पे 9:30 to 11:30 और 2:30 to 4:30 GS1 and CSAT दोनों मैंने बैठ के शिद्दत से मैंने solve किया था tha. that really helped me to fine tune myself my brain and my you know whole you know uh, process फॉर द एक्चुअल यू एग्जामिनेशन वो एक टाइप में मैंने सिमुलेट किया था एंड आई ऑल्सो मेड श्योर कि जहाँ भी ओपन टेस्ट अवेलेबल थे जैसे साउथ में त्रिवान्र में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होल्ड फ्री ओपन मॉक टेस्ट्स अवेलेबल तो मैं वहाँ वहाँ जाके कॉलेज सेटिंग्स में जाके मैं डेता था बिकॉज आई वॉन्टेड टू एनश्योर कि यार मैं डिफरेंट एनवायरमेंट्स में कभी हो सकते कि बहुत गर्म जगह पर लाइक बहुत गर्मी हो फैन चल नहीं रहा हो या थोड़ा ह्यूमड कंडीशन में आप टेस्ट ले रहे हो तो डिफरेंट कंडीशंस में अपने आपका अकस्टम करके टेस्ट देता था इट माइट वी स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट बिलीव मी दिस स्मॉल थिंग्स ऑल्सो प्ले वेरी क्रूशल रोल वाई यूर आंसरिंग इन योर प्रिलम्स एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो वॉट आई डिड वस की फ्री यू पी एस सी मटीरियल्स डॉट कॉम वेबसाइट से मैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट करता था एंड आई ऑल्सो यूज टू सॉल्व दैट ताकि आई यूज टू गेट अ डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चन एंड डाइवर्स ऑफ यू नो एक नॉलेज भी मुझे मिले एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर सकूँ तो दिस अ वेरी यू नो वेरी गुड एंड अफोर्डेबल यू नो वे फॉर अस टू यू नो सॉल्व यू नो टू ट्राई टू गेन एक्सेस टू टेस्ट सीरीज दैट इज़ वन थिंग विच आई डिड सी सैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड सी साइट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी सी साइट के लिए मेरा स्ट्रैटेजी ये था ऑब्वियसली बेस कंटेंट प्रैक्टिस करता था जनवरी से ही मैं क्या करता था सी के लिए सी के मॉक क्वेश्चन पेपर्स मैं वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स में सॉल्व करता था इट वॉज़ वेरी वेरी हेल्पफुल वाई बिकॉज सी यू नीड टू अंडरस्टैंड यू हैव टू सॉल्व अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स विथ सीरीज ऑफ क्वेश्चन इन अ लिमिटेड टाइप स्पैन वो स्किल मुझे ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मिला नंबर टू रीडिंग कॉम्प्रिंशन स्पीड आपका बढ़ जाता है तो आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में भी आपकी स्किल सेट बढ़ जाता है बिकॉज यू नीड टू रीड फास्ट एक रीडिंग स्पीड भी बहुत होना चाहिए दैट रीडिंग स्पीड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वैल यू डू द कॉम्प्रिहेंशन वाला एस्पेक्ट सो आई डिड दैट ऑल्सो एंड रीजनिंग ऑल्सो तो टू थिंग्स वन मै रीडिंग स्पीड इंप्रूव टू आई वॉज एबल टू सेलेक्ट द क्वेश्चन विच आई न्यू इनिशियली क्या लगता है कि यार सब करने की आदत होती है तो वी लाइक like, यार मैं अस्सी के अस्सी करूंगा नो दैट इज नॉट पॉसिबल

कभी कभी ऐसा होता था कि इनिशियल सेक्शन ऑफ पेपर में बहुत ही टफ पेपर बहुत ही टफ क्वेश्चन होते थे बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते थे यदि आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि वो टाइम कंज्यूमिंग है या टफ है एंड इफ यू गो अहेड रियलाइज की यार आपके आगे के जो ईजी सवाल है वो एक्चुअली एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर में हो सकते हैं शायद से राइट तो वो स्किल भी वो एक आइडिया भी आपको क्वेश्चन पेपर करने से ही मिलता है जस्ट लाइक फॉर वट आई डिड वो जी एस सी सेट का मैंने जनवरी से ही सेक्शनल एंड फुल लेंथ दोनों सी सेट का आई डिड इट इन वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स रियली रियली हेल्प मी टू विथस्टैंड दैट प्रेशर ऑफ सी सेट वो टाइम बेस्ड अप्रोच से मैं सी सेट के हर क्वेश्चन को मैं कर पाता था हर क्वेश्चन इन द सेंस की नॉट लाइक सी सेट के क्वेश्चन को मैं टैकल कर पाता था एंड यू नो अंडरस्टैंडिंग वॉट आई यू आई नीड टू लीव वॉट आई नीड टू डू मतलब वॉट आई नीड टू सॉल्व एंड अगेन कॉम्प्रीहेंशन वाइज ऑल्सो दैट रियली हेल्प मी टू एन्श्योर दैट मैं कॉम्प्रीहेंशन पर मैक्समम क्वेश्चन सोल्व कर सकूँ तो दैट वॉज माई अप्रोच फॉर प्रुलम्स कमिंग टू मीन्स मीन्स का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई डिड ड्यूरिंग वे बिफोर प्रुलिल्स लाइक बेसिक आंसर राइटिंग एज अ बिगिनर आई डिड माई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्राम यू से अक्टूबर नवंबर से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दिया था बट टेस्ट सीरीज बेस लाइक टेस्ट सीरीज एंड उधर भी मैंने टाइम रखा था बट टाइमर इन द सेंस यार उतना स्ट्रिक भी नहीं ग्यारह मिनट का एक टाइम रिक्वायर्ड है टेन फिफ्टीन मार्कर के लिए तो आई यूज टू टेक अराउंड फिफ्टीन टू सेवनटीन मिनट्स ऑफ टाइम दट इज़ नेचुरल बिकॉज यार यू आर इन द बिगिनिंग यू कान बी एक्सपेक्टेड टू यू नो हैव दैट परफेक्ट अप्रोच तो वो नहीं होता तो इट्स फाइन हाउ दैट्स हाउ यू बिगिन पर धीरे धीरे वो टाइम कम होता गया एंड जब मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया आई बिगैन में टेस्ट सीरीज ड्यूरिंग द प्री के बाद प्री के बाद रिजल्ट आने के बाद से मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया था एंड उधर भी आई डिड मल्टीपल टेस्ट सीरीज

कंटेंट डेवलप हुआ उससे यूज टू अंडरस्टैंड वॉट आर दीवाई क्यू ट्रेंड्स प्रीवियस ये क्वेश्चन किस बेसिस पे आते हैं योर आंसर राइटिंग स्किल्स एट ऑल्सो इम्प्रूवस सो दिस वॉज समथिंग विच आई डिट डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड बहुत ही यू नो यू फील वेरी एग्जॉस्टेड बहुत ही बोरिंग बोरिंग लगता है बहुत ही आपको लाइक यू हैव दट इनोशिया बट वन टू आई वीन थ्री फोर थ्री वीक्स के बाद इट बिकम्स अ हैबिट यू विल नाउ एन्जॉय राइटिंग दैट आंसर्स

अब रेड पेन से मैं लिख डालता था सो वेनवर आईज टू रिफर बैक आई यूज़ टू रिफर दोज आंसर बुकलेट्स बिच आई हैड रिटर्न तो उससे मुझे वो रेड पेन से जो भी मैं लिखता था वो मेरे मन में लाइक इट यूज टू गेट रजिस्टर्ड इन माई माइंड अगेन हियर थ्री आवर्स में लिखता था बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप टू आवर फोर्टी फाइव मिनट्स या टू आवर फिफ्टी मिनट्स में लिखे इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मेन्स में यार तीन तीन घंटा भी बहुत कम लगता है सो समथिंग एंड इनिशियली आई वॉज नॉट एबल टू फिनिश द क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर्स

सो अगेन यू नो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज़ ऑफ़ मल्टीपल लाइक आई यूस्ट टू डू दैट एंड अगेन रिव्यू मैंने क्या किया था पियर ग्रूप था एंड आई यूश टू हैव द मैंटर्स तो मल्टीपल रिव्यूज़ मैंने कराए थे सो आईस्ट टू गैट डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट व्यूज़ ऑन दी आंसर्स एंड जो व्यूज मुझे सबसे एक्मलेट बेस्ट ऑफ ऑल द व्यूज लेके आई यूश टू ब्रिंग सम चेंजेस इन माई आंसर्स एंड मेरे आंसर्स में मैंने ये फोकस किया था मैंने जी एस वन टू थ्री में पॉइंट वाइज लिखा था एंड और मेरा फिलोसफी यही था मैक्सिमम पॉइंट्स लिखो और वो मैक्सिमम पॉइंट्स टू रीजंस की वजह से इस बार मतलब पिछले बार भी हुआ इस बार भी बेटर हुआ व्हाई बिकॉज वन कंटेंट मेरा बड़ा बाय कंटेंट एनरिचमेंट व्हिच आई डिड एंड नंबर टू अगेन मैक्सिमम राइटिंग की वजह से वो स्टिपलेटेड टाइम में मेरा राइटिंग स्पीड भी बढ़ गया एंड उसके वजह से मैं ज़्यादा पॉइंट्स भी लिख पा रहा था सो दिस वॉज वॉट आई वॉज डूइंग फॉर द टेस्ट सीरीज फॉर मीन्स इंटरव्यू के लिए एज यू ऑल नो गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यूज एंड

दिस सिलेबस ही इतना बड़ा है कि आप कभी क्लेम नहीं कर सकते यार मैंने सब पढ़ लिया तो ऑलवेज यू नो जितना आपने फिफ्टी परसेंट भी पढ़ा हो ट्राई टू राइट दैट बिकॉज ओरिजिनल यू में भी आपको बाउंसर्स आएंगे जहाँ आपको कुछ पता ना हो बट आपको टैकल करना पड़ेगा तो टैकल करने का स्किल भी आप ये मॉक टेस्ट करके करके डिफिकल्ट क्वेश्चन करके ही आपको मिलेगा सो दैट वुड बी यू नो सम इनसाइट्स विच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू विच आई फाउंड वेरी हेल्पफुल सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट for the examination ahead thank you